नौकर रामूदास लाइट बंद करके चला गया था। शेर खान बिस्तर पर लेटा बैठक का जायजा ले रहा था। छत के साथ एक पंखा लटक रहा था। दीवार पर भारत की फिल्म एक्टर्सों की 3-4 कैलेंडर लगे थे। एक जगह दीवार पर कृष्ण महाराज के शीशे में जड़ी हुई तस्वीर भी लगी हुई थी। शेर खान का ख्याल था कि गुबंदी अभी जाग रही होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद इसके खराटों की आवाज़ आने लगी। इसके खराटों की आवाज़ बिल्कुल मर्दों जैसी थी। शेर खान को पलंग पर लेटे बामुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि बैठक का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर मुलाजिम रामू अंदर दाखिल हुआ। कमांडो शेर खान ने आंखें बंद कर ली और ये जाहिर किया कि वो सो रहा है। ऐसा उसने ख़ास मसलहत के तहत नहीं किया था, बल्कि महज इसलिए किया था कि रामू किसी ज़रूरी काम से आया है। वो गोबंदी को जगाने वाला है और गोबंदी उठकर कहीं फिर शेर खान से बातें ना शुरू कर दे। रामू ने गोबंदी के शाने को हलाते हुए कहा, भाई उठो, भोशन आया है। गोबंदी के खराटे एकदम रुक गए। इसने आंखें खोल दी और रामू से नींद भरी आवाज़ में पूछा, क्या बात है? रामू ने कहा, भोशन आया है। गोबंदी ने नींद भरी आवाज़ में ही कहा, वो हरामी इस वक्त क्या लेने आया है? रामू ने एक नज़र उस पलंग पर डाली जिस पर शेर खान लेटा हुआ था। शेर खान समझ गया कि रामू कोई ऐसी बात गोबंदी से करने वाला है जो वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा सुने। शेर खान ये बात ज़रूर सुनना चाहता था, इस ख्याल से कि कहीं भोशन उसे गिरफ्तार करने ही ना आ रहा हो। भोशन कोई CID का आदमी ही या पुलिस का कॉन्स्टेबल हो। शेर खान हल्के हल्के खराटे लेने लगा। रामू ने नींद की जेर असर गोबंदी को आहिस्ता से कहा, भोशन कोई पार्टी लेकर पाकिस्तान जाने वाला है। गोबंदी ने गाली देकर कहा, इस हरामी से कहो मुझे सुबह आकर मिले, इस वक्त मैं सो रही हूँ, जाओ। मुलाजिम रामू खामोशी से बाहर चला गया। शेर खान पहले से ही जाग रहा था ये सुन कर के कोई पाकिस्तानी पार्टी पाकिस्तान जा रही है। वो ज़्यादा बेदार हो गया। ये तो उसे मालूम हो गया था कि वो जराइम पेशा लोगों के अड्डे पर है। गोबंदी ख़ुद भी जराइम पेशा है और उसका ताल्लुक भी ज़ाहिर है जराइम पेशा अफराद से है, जिनमें ज़ाहिर स्मगलर भी होंगे, चोर उचक्के भी होंगे, सजा याफ्ता भी होंगे, और हो सकता है इनमें वो भारतीय दहशतगर्द भी हों जिन्होंने भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्दी की खूनी वारदातें करने पाकिस्तान भेजा जाता है। कमांडो शेर खान अब हर हालत में ये मालूम करना चाहता था कि भोशन नाम का जो शख्स पार्टी लेकर पाकिस्तान जा रहा है वो वहाँ क्या करने जा रहा है। अगर ये रॉ के दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को अंधाधुंध गोलियों का निशाना बनाने जा रहे हैं तो फिर शेर खान भी इसका साथ जाएगा। शेर खान ने यह भी सोच लिया था कि अब इसे क्या करना है। चुनाचे सुबह वो गोबंदी के मकान पर ही रहा। वो मुँह हाथ धोने के बाद गोबंदी के साथ बैठा चाय पी रहा था कि सोचे हुए मंसूबे के तहत उसने बात शुरू कर दी। उसने गोबंदी से कहा, देवी जी मैं सोचता हूँ कि फिरोजपुर जाकर क्या करूँगा, वहाँ से तो मैं काम की तलाश में अमृतसर आया था। गोबंदी ने शेर खान को सिगरेट का पैकेट देते हुए कहा, लो पहले सिगरेट पियो फिर बात करते हैं। शेर खान ने कहा, क्षमा करना मैं सिगरेट नहीं पीता। गोबंदी ने अपना सिगरेट सुलगा कर कहा, तुम कुंदन के कुंदन ही रहोगे, सिगरेट भी नहीं पीते। कमांडो शेर खान ने कहा, कभी प्यार करता था कभी शराब भी पिया करता था, लेकिन फिर सब कुछ छोड़ दिया। गोबंदी ने शेर खान का बाजू पकड़ कर कहा, अरे कुंदन तुम तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो तुम्हें बुद्धू समझ रही थी। दारू सिगरेट कब छोड़े, क्यों छोड़े? शेर खान ने कहा, क्या बताऊं, तुमने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया है, अब तो तुम्हारे घर का नमक खा लिया है, तुम्हारे आगे झूठ बोल नहीं सकता। बात यह है कि 4-5 बरस हुए हैं मैं दिल्ली में इसी तरह काम की तलाश में फिर रहा था कि एक आदमी से मुलाकात हो गई, उसने मुझे एक और आदमी से मिला दिया। उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें पाकिस्तान जाकर हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा,
इसके एवज़ हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। कोबंदी बड़े गौर से शेर खान की बात सुन रही थी। इसने शेर खान की बात काटते हुए पूछा, वो काम क्या था? शेर खान बोला, क्या बताऊँ, बड़ा उल्टा काम था। पाकिस्तान के शहरों में बम्बों के धमाके करने और लोगों के घरों में घुसकर उन्हें बेदरेग कत्ल करना था। फिर तुम ऐसा करते थे? गोबंदी ने पूछा। शेर खान कहने लगा, पैसे मिलते थे, ये काम करता रहा। 3 बरस तक पाकिस्तान में मुसलमान बन कर रहा और हर शहर में बम्बों के धमाके किए, कई लोगों को गोलियों का निशाना बनाया। गोबंदी ने पूछा, तुमने ये काम छोड़ क्यों दिया? शेर खान ने कहा, बस भगवान ने जितनी देर तक मुझसे सेवा लेनी थी ले ली, मेरा भी जी भर गया था। इसके बाद मैंने शराब, सिगरेट और आतंकवादी भी छोड़ दी। गोबंदी ने कहा, तुम तो पाकिस्तान के शहरों से अच्छी तरह वाकिफ हो गए कुंदन। शेर खान ने कहा, वाकिफ होना तो दूसरी बात है, मैं तो पाकिस्तान के हर बड़े शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। मैं तो मुसलमान बनकर पाकिस्तान के एक शहर में चाय की दुकान भी चलाता रहा हूँ। गोबंदी ने पूछा, अब वो दुकान कौन चलाता है? क्या तुम्हारा राज तो नहीं खुल गया था? शेर खान बोला, राज खुलने का सवाल पैदा नहीं होता था। मैंने अपने सलूक से वहाँ लोगों में अपना एक बाइज्जत मकाम बनाया था। लोग मुझे हाजी साहब कहकर बुलाते थे। वो लोग आज भी मुझे याद करते हैं। मैं चाय की दुकान अपने एक नौजवान मुलाजिम के हवाले करके आ गया था। मैंने मोहल्ले वालों को यही कहा था कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, वहाँ 2-3 साल इबादत करके खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा और फिर वापस आ जाऊँगा। गोबंदी ने पूछा, तुम्हारा चाय का होटल पाकिस्तान के किस शहर में था? शेर खान ने सब कुछ पहले से सोच रखा था। इसने कहा, लाहौर की एक कॉलोनी में था। गोबंदी ने मुझसे वो सवाल किया जो मैं चाहता था कि वो मुझसे पूछे। उसने कहा, कुंदन लाल, तुम हमारे मतलब के आदमी हो, अगर हम तुम्हें 10,000 माहवार दें तो क्या तुम पाकिस्तान वापस जाकर वही काम कर सकोगे जो तुम अपने एजेंट के कहने पर किया करते थे? शेर खान गोबंदी को जहाँ लाना चाहता था वो वहाँ आ गई थी। फिर भी उसने एकदम हामी भरने से गुरेज किया। इसने सर खुचाते हुए कहा, मैं ये काम छोड़ चुका हूँ, पैसे तो इसमें बहुत मिल जाते हैं मगर हर वक्त पकड़े जाने का डर लगा रहता है, और दहशतगर्द एक बार पकड़ा जाए तो फिर उसकी अजियतनाक मौत यकीनी होती है। गोबंदी ने कहा, मगर ये भी तो देखो कि तुम पाकिस्तान में जाकर भारत माता की सेवा करोगे। शेर खान ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, भारत माता की सेवा की खातिर मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। गोबंदी कहने लगी, हमारी एक पार्टी पाकिस्तान जा रही है, इसका लीडर भोशन है, भोशन मेरा शागिर्द है। इस पार्टी में एक लड़की कमला भी शामिल है जो मुसलमान बनकर पाकिस्तान में काम करेगी। भोशन आज किसी वक्त मेरे पास आ रहा है, वो भी पाकिस्तान में कई जगहों पर बम के धमाके कर चुका है, मगर इस बार ये पार्टी एक ख़ास मिशन पर पाकिस्तान जा रही है। शेर खान के कान खड़े हो गए। इसने पूछा, ये ख़ास मिशन क्या है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? गोबंदी ने कहा, तुम्हें जाने से पहले सब कुछ बता दिया जाएगा, अभी तुम मेरे मकान में ही रहोगे और बाहर बिल्कुल ना निकलना, क्योंकि तुम पार्टी के साथ पाकिस्तान में समगल किए जाओगे और मैं नहीं चाहती कि यहाँ तुम्हें लोग देखें, बाकी तुम खुद इस मामले में समझदार हो। शेर खान को एक बहुत बड़ी दहशतगर्द पार्टी को पाकिस्तान में गिरफ्तार करवाने और इस ख़तरनाक मिशन का खोज लगाने का बैठे बैठाए मौका मुयस्सर आ गया था, जिसके लिए ये लोग पाकिस्तान में समगल किए जा रहे थे। इसने कहा, मैं इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं मकान के अंदर ही रहूँगा। सारा दिन कमांडो शेर खान भारतीय दहशतगर्द कुंदन लाल की हैसियत से जराइम पेशा गोबंदी के मकान बल्कि डेरे पर भारतीय दहशतगर्दों का इंतज़ार करता रहा। इनमें से कोई भी नहीं आया था। गोबंदी थोड़ी देर के लिए एक ज़रूरी काम से बाहर गई थी। शेर खान को ताकीद कर गई कि वो नीचे बैठक में ही रहे। शाम के वक्त गोबंदी वापस आ गई।
कहने लगी, भूषण अभी थोड़ी देर में आ रहा है, मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो ये सुनकर खुश हुआ कि इनकी पार्टी को एक ऐसा अपना आदमी मिल गया है जिसके पास पाकिस्तान में चाय के होटल की शक्ल में एक ठिकाना मौजूद है। शेर खान ने कहा, मैं इन लोगों की हर तरह से पाकिस्तान में रहनुमाई करूँगा, लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि हम किस मिशन पर पाकिस्तान जा रहे हैं। गोबंदी बोली, मैंने इस बारे में पार्टी के लीडर भूषण से मशवरा किया था। उसने कहा कि चूंकि हमने अभी तक पार्टी के किसी आदमी को इस खास मिशन के बारे में नहीं बताया, तो इसलिए कुंदन लाल यानी तुम्हें भी अभी नहीं बताया जाएगा। हमारा मिशन क्या है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं। गोबंदी ने कहा, ये तुम्हें पाकिस्तान पहुंचने के बाद मौका आने पर पार्टी लीडर भूषण सब कुछ बता देगा। बेहतर है कि अभी तुम इस बारे में कोई सवाल ना करो। कमांडर शेर खान खामोश हो गया। इसे मालूम था कि इन दहशतगर्दों के और ख़ास तौर पर भारत के पाकिस्तान दुश्मनी खुफिया एजेंसी रॉ के दहशतगर्दों के बाज़ बड़े सख्त उसूल होते हैं और वो उनकी खिलाफ वर्जी कभी बर्दाश्त नहीं करते। रात के 10 बज रहे थे। गोबंदी ऊपर वाले कमरे में अपने माता पिता के पास थी कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। शेर खान नीचे बैठक में था। बैठक का दरवाज़ा उसने गोबंदी के कहने पर अंदर से बंद किया हुआ था। इसने दरवाजे के साथ कान लगा लिए ये देखने के लिए कि बाहर से कौन आया है। दूसरी बार दस्तक हुई तो बूढ़े मुलाजिम रामू ने ड्योरी का दरवाज़ा खोल दिया। ड्योरी में पार्टी लीडर भूषण की आवाज़ सुनाई दी। भाई जी कहाँ हैं, मुलाजिम रामू ने कहा। ऊपर हैं, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हैं। भूषण ऊपर चला गया। थोड़ी देर के बाद गोबंदी पार्टी लीडर भूषण के साथ लेकर नीचे बैठक में आ गई। इसने शेर खान से भूषण का तारुफ कराया और कहा, भूषण ये कुंदन लाल है। भूषण 30-35 साल का एक सेहतमंद नौजवान था। चेहरे पर बाएं जानेब जख्म का लंबा निशान था। शक्ल ही से जराइम पेशा लगता था। रंग सांवला था, पतलून कमीज पहन रखी थी, सिगरेट पी रहा था। भूषण ने शेर खान पर एक गहरी निगाह डाली और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही थी। गोबंदी ने शेर खान से कहा, कुंदन ये पार्टी लीडर भूषण है, तुम लोग इसके साथ पाकिस्तान जाओगे और उसके हर हुक्म की पाबंदी करोगे। शेर खान बोला, मैं जानता हूँ, हमें अपने लीडर के हुक्म के मुताबिक चलना पड़ता है। भूषण ने सोफे पर बैठते हुए शेर खान से पूछा, लाहौर में तुम्हारी किस जगह पर चाय की दुकान है। शेर खान ने इस जगह का नाम बताया और कहा, मैं 4.5 साल से वहाँ एक मुसलमान की हैसियत से चाय का छोटा सा होटल चला रहा हूँ। पिछले 1 साल से भारत वापस आ गया हूँ, लेकिन होटल अपने एक पाकिस्तानी मुलाजिम को दे आया था। मैंने इसे यही कहा था और मोहल्ले वालों को भी यही बताया था कि मेरा दिल दुनिया से भर गया है। अब चाहता हूँ कि सऊदी अरब जाकर कुछ अरसा इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं। बस ये बहाना बनाकर मैं बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ गया। मेरा इरादा वापस जाने का नहीं था। मैंने रॉ के अपने एजेंट को कह दिया था कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, लेकिन देवी गोबंदी जी ने जब बताया कि इस वक्त भारत माता को मेरी ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों के साथ जाने पर तैयार हो गया हूँ। भूषण कहने लगा, लाहौर में तुम्हारा घर किस जगह पर है और क्या वो महफूज है। कमांडर शेर खान के पास तो लाहौर में अपना कोई घर नहीं था और ना ही चाय की कोई दुकान थी। वो इन लोगों को इस तरह ले जाना ही नहीं चाहता था, मगर इन लोगों को कोई दूसरा ठिकाना बताना भी ज़रूरी था जहाँ वो इन्हें खुफिया तौर पर रख सके और उनके खुफिया मिशन के बारे में मालूमात हासिल करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इतला दे सके और पाकिस्तान की हुकूमत को खबरदार कर दे। पाकिस्तान में सिर्फ इसका चीफ कमांडो कर्नल ही था जिससे इसने कमांडो ट्रेनिंग हासिल की थी और जिसकी रहनुमाई में वो कश्मीर के जहाद में शरीक हुआ था। दिल्ली में बैठकर वो अपने चीफ कर्नल से राबता पैदा नहीं कर सकता था।
ये काम वो पाकिस्तान पहुंचकर ही कर सकता था। इसने भूषण से कहा, भूषण जी, मेरे पास एक अपना मकान तो है जो मेरे लाहौर वाले चाय के होटल के ऊपर ही एक कमरे की शक्ल में है, लेकिन इस जगह पर हमारी पार्टी का रहना ख़तरनाक साबित होगा। मैं तो वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन तुम लोगों को मैं वहाँ आने का मशवरा नहीं दूँगा। दहशतगर्दों के लीडर भूषण ने कहा, ये सब कुछ मैं समझता हूँ। तुम आखिर 4-5 साल से लाहौर में इंडिया की तरफ से हाजी साहब के नाम से दहशतगर्दी की ड्यूटी दे रहे हो। तुम्हें कोई ऐसी जगह ज़रूर मालूम होगी जहाँ हमारी पार्टी कुछ दिनों के लिए छुपकर अपने मिशन के लिए इब्तदाई तैयारियाँ कर सके। शेर खान ने कहा, इसका बंदोबस्त लाहौर जाकर हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं खुफिया और महफूज जगह तलाश नहीं कर लेता, तुम लोगों को पार्टी के साथ किसी होटल में रहना होगा। भूषण बोला, होटल हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा, हम किसी जगह रह लेंगे, लेकिन क्या 2-1 दिनों के अंदर अंदर तुम कोई खुफिया जगह तलाश कर सकोगे? क्योंकि हमारी पार्टी ने लाहौर में कभी क़याम नहीं किया। हम जब भी दहशतगर्दी के मिशन पर पाकिस्तान गए हैं तो लाहौर में कुछ वक्त के लिए ज़रूर ठहरे हैं, लेकिन वहाँ रहकर कभी नहीं रुके। हमने दहशतगर्दी की ज़्यादा वारदातें सिंध के शहरों में की हैं या कराची में की हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें भारत की एजेंसी रॉ की तरफ से जो मिशन सौंपा गया है, इसके लिए बाद ज़रूरी बातों का इल्म हासिल करने के लिए हमारा लाहौर में कुछ रोज़ ठहरना ज़रूरी हो गया है। शेर खान ने कहा, मैं तकरीबन 5 बरस से पाकिस्तान के शहर लाहौर में हाजी अब्दुल्ला के नाम से छोटा सा चाय का होटल चला रहा हूँ। मैंने इलाके में अपना बड़ा असर रसूख बनाया हुआ है, मेरा वहाँ लोगों में बहुत असर रसूख है। मैं आप लोगों की रहाइश के लिए कोई ना कोई जगह ज़रूर तलाश कर दूँगा। गोबंदी ने भूषण से मुखातिब होकर कहा, भूषण, कंदन बड़ा काम का आदमी है, हमें पाकिस्तान में एक ऐसे ही अपने किसी आदमी की तलाश थी, ये अच्छा हुआ कि हमें कुंदन लाल मिल गया। तुम ये बताओ कि कमला, कालिया और गोपी कहाँ हैं? मालूम हुआ कि भूषण पार्टी में भूषण के अलावा एक औरत कमला और 2 आदमी कालिया और गोपी शामिल थे। भूषण ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, इन लोगों को बॉर्डर के एक गांव में खुफिया जगह पर पहुंचा दिया गया है। गोबंदी ने पूछा, मैंने तुम्हें 70,000 रुपये की जो रकम ज़रूरी खर्चे के लिए पाकिस्तानी करेंसी की शक्ल में दी थी, वो तुमने कहाँ रखी हुई है? भूषण बोला, वो मेरे पास यहाँ मेरे अमृतसर वाले मकान में ही है, जाती दफ़ा इसे साथ ले जाऊँगा। गोबंदी ने पूछा, तुम लोगों ने मुसलमान वाले हुलिये में बॉर्डर क्रॉस करना है, इसका भी इंतज़ाम हो गया है कि नहीं? भूषण कहने लगा, मैं तो पतलून कमीज़ में ही रहूँगा, कालिया और गोपी शलवार कमीज़ में होंगे जो पाकिस्तान में आम पहनी जाती है, और कमला भी शलवार कमीज़ में होगी। इसके वास्ते स्याह रंग का एक बुरका साथ रख लिया है जो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होते ही पहन लेगी। कमांडर शेर खान इनके पास कुंदन लाल दहशतगर्द के रूप में बैठा इन लोगों की बातें सुनकर हैरान हो रहा था कि ये लोग कितना ज़बरदस्त और मुकम्मल बंदोबस्त करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने जा रहे हैं। वो सोच रहा था कि अगर इत्तेफाक से सैनमा हाउस में इसे गोबंदी ना मिलती और इसके साथ इसके मकान पर ना आ जाता, तो रॉ के झंडों की ये दहशतगर्द पार्टी पाकिस्तान के शहरों में ना जाने कैसी कैसी तबाही मचाती। गोबंदी ने भूषण से पूछा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने तुम्हारे बॉर्डर क्रॉस कराने का किस रात का इंतज़ाम किया है? भूषण ने सिगरेट सुलगा कर बोला, ये कल हमें मालूम हो जाएगा। गोबंदी कहने लगी, पाकिस्तान में भारतीय सफारत खाने के आदमियों को तुम्हारे बारे में इतला दी जा चुकी है, तुम जानते हो कि तुम्हें इस्लामाबाद जाकर किससे मिलना है, वो लोग तुम्हें तुम्हारे मिशन के बारे में सही तफसीलात बता देंगे। भूषण ने कहा, इसकी फिक्र ना करो, लाहौर में कुंदन लाल ने जैसे ही हमारी खुफिया रिहाइश का इंतज़ाम किया, मैं फौरन अपने सफारत खाने से रابطہ पैदा करने इस्लामाबाद रवाना हो जाऊंगा। और याद रखना, गोबंदी ने कहा,
कमला तुम्हारे साथ इस्लामाबाद जाएगी। मुझे सब कुछ याद है भाई जी, तुम फिक्र ना करो, भूषण ने कहा। फिर सोफे से उठा और बोला, अब मैं जाता हूँ, कुंदन लाल इस दौरान तुम्हारे पास ही रहेगा। कल शाम को मैं आऊँगा और बताऊँगा कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आदमी हमें किस वक्त बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं। अब मैं जाता हूँ। भूषण ने गोबंदी को नमस्कार किया, शेर खान से हाथ मिलाकर इसे भी नमस्कार किया और चला गया। इसके जाने के बाद गोबंदी ने शेर खान से कहा, तुम भी कुछ देर आराम कर लो, मैं भी आराम करती हूँ।